Everyone, how are you? Hope you are fit and fine. Today we will do lesson The Wind and the Sun. Today we will do Hindi explanation of this lesson. This lesson is of NCIT class 2 English textbook lesson. Kids, this lesson will tell us. अ स्टोरी अबाउट द कम्पिटिशन बिटवीन विंड एंड द सन टू टेक ऑफ द कोट ऑफ ए मैन फ्रॉम हिज बॉडी ये स्टोरी जो है हवा और सन के कॉम्पिटिशन के बारे में है कि वो ये ये शर्त लगाते हैं कि कौन स्ट्रोंगर है वही स्ट्रोंगर है शक्तिशाली है जो एक आदमी का कोट उसकी बॉडी से उतरवा देगा द क्वालिटीज ऑफ द सन एंड द विंड सन और विंड की क्या क्या विशेषताएँ हैं और फिर कौन जीतता है ये जानने के लिए तो हमें कहानी पढ़नी पड़ेगी ना बच्चों चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले हम जानते हैं टारगेट लर्निंग आउटकम्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू तो नो अबाउट स्माइल एंड हैप्पीनेस इस लेसन से हमें स्माइल और हैप्पीनेस के बारे में पता लगेगा अबाउट स्पेशल फीचर्स ऑफ सन एंड विंड हमें सन और विंड की क्या स्पेशल क्वालिटीज हैं उसके बारे में पता लगेगा About concept of rhyming word. Rhyming word क्या होते है जिनके पीछे जो साउंड आती है वो राइमिंग थे एक्शन वर्ड एंड थ्री लेटर वर्ड्स के कंसेप्ट के बारे में जाने के थ्री लेटर्स को मिला करके हम किस तरह से एक वर्ड बना सकते हैं अबाउट न्यू वर्ड्स एंड हाउ टू प्रनाउंस दैम और इस लेसन में जो नए वर्ड्स आएंगे उनके बारे में हम जानेंगे और उन्हें कैसे प्रनाउंस करना है उनके बारे में हम जानेंगे लेट्स द लैसन द विंड एंड दन विंड सन कैन यू सी क्या तुम देख सकते हो दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड जो आदमी सड़क पर चल रहा है क्या तुम उसे देख सकते हो आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन मैं जो है तुमसे अधिक तेजी से उस व्यक्ति के कोट को उतार सकती हूँ कौन कह रहा है ये विंड कह रही है ये देखिए यहाँ पे एक आदमी जा रहा है पिक्चर को समझ लेते हैं यहाँ पर क्या है ये जो बादल के रूप में दिखाई गई है ये विंड दिखाई गई है हवा और ये क्या है सन ये विंड है ये सन है और ये मैन है जिसने ये कोट डाला हुआ है ठीक है तो इस कोट को उतरवाने के लिए सन और विंड के बीच में जो है कंपटीशन है कि कौन स्ट्रोंगर है जो इसका कोट उतरवा देगा वही स्ट्रोंगर है सन अब सन क्या कहता है मुस्कुराते हुए वी विल सी हु इज हुर हम देखेंगे कि कौन स्ट्रोंगर है शक्तिशाली है आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट मैं तुम्हें जो है पहले कोशिश करने देता हूँ तो इस लेसन के हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इस पेज पर कौन से वर्ड मीनिंग आए हैं फर्स्ट इज वॉकिंग डब्ल्यू ए एल के आई एन जी एल क्या है वॉकिंग का मीनिंग क्या होता है दैट इज मूविंग स्लोली धीरे धीरे चलना नेक्स्ट इज रोड आर ओ डी रोड रोड का मीन्स क्या है सड़क वे टू रीच समवेयर कहीं पर जाना वे टू रीच समवेयर नेक्स्ट वर्ड इज कोट सी ओ टी कोट कोट क्या होता है जो हम ड्रेस के ऊपर डालते हैं दैट इज कोट अ पीस ऑफ गारमेंट वोन ओवर द शर्ट शर्ट के ऊपर डाला गया कपड़ा दैट इज कार्ड कोट नेक्स्ट इज क्विकली Q U I C K L Y क्विकली क्विकली का मीनिंग क्या है फास्टली फास्टली यानी जल्दी से स्ट्रोंगर S T R O N G E R स्ट्रोंगर स्ट्रॉन्गर मीन्स मोर पावरफुल या अधिक शक्तिशाली उसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है फिंड पफिंग चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड जो पफ मतलब फुलाना पफ का अर्थ क्या होता है फुलाना ठीक है हवा अपने गालों को फुला कर तेजी से फूक मारते हुए वु वु यानी कि वो तेजी से जो है चल रही है हवा जब तेजी से चलती है तो इसी तरह की आवाज आती है मैन आदमी कहता है कोट को दूर ले जा रही है ये इधर देखिए पिक्चर में पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये अपना मुंह फुला के किस तरह से ये हवा छोड़ रही है जोर जोर से हवा जो है चल रही है और उसका कोट जो है ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो पर्सन मैन क्या कह रहा है कि मेरा कोट जो है उड़ाना जा जा रही है मेरा कोट जो है उड़ रहा है आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ मैं इसे जो है अपने चारों ओर कस करके पकड़ लेता हूँ विंड ब्लोइंग हार्डर विंड जो है और ज़्यादा तेज बहने लगती है और ज़्यादा तेज चलने लगते हैं वू वू और ज़्यादा तेज़ चल रही है वो उसके बाद हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पफिंग ठीक है इसके बाद हम देखिए हम इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं फर्स्ट आता है पफिंग ठीक है पी यू डबल एफ आई एन जी ठीक है पफिंग मतलब भरना उसके बाद पुटिंग फिलिंग with एयर हवा से भरना नेक्स्ट इज चीक्स सी एच डबल ई के एस सी सिक्स मिस गारोफ्ट पार्ट ऑफ फेस नेक्स्ट इज ब्लोइंग ब्लोइंग बी एल ओ डब्ल्यू आई एन जी ब्लोइंग का मीनिंग क्या है मूविंग ऑफ एयर हवा का चलना टाइटली टी आई जी एच टी एल वाई टाइटली टाइटली का अर्थ है कसकर फर्मली एफ आई आर एम एल वाई फर्मली नेक्स्ट इज क्या करता है पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली अब अपने कोट को और जोर से अपने शीर पर जकड़ लेता है हाउ कोल्ड इट इज आज कितनी सर्दी है आदमी ने क्या किया ये देखिए आदमी ने अपने कोट को कस करके पकड़ लिया और वो क्या कह रहा है आज कितनी सर्दी है हवा विंड कह रही है विंड सन आई गिव अप ठीक है अब आदमी ने तो कोट को पकड़ लिया अब विंड से कुछ नहीं हुआ तो वो सन को कहती है सूर्य को आई गिव अप मैं हार गई आई कैन नॉट गेट दिस कोट ऑफ मैं इस कोट को नहीं उतरवा सकी सन नाउ इट इज माई टर्न अब सूरज क्या कहता है अब मेरी बारी है लेट मी ट्राई मुझे कोशिश करने दीजिए ही शाइंस हार्ड वो और जोर से चमकता है मैन व्हाट ए फनी डे इट वाज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज सो हॉट वो कहता है कि कैसा अनोखा दिन है अभी कितनी ठंड थी और अभी कितनी गर्मी हो गई है अब इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पुलिंग पुलिंग का अर्थ है जोर से खींचना टेकिंग इन अंदर की ओर, शाइन्स चमकना प्रोड्यूसिंग ब्राइट लाइट या चमकता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट सन शाइनिंग हार्डर अब जोर से सन जो है वो भी खूब जोर से चमकने लगता है आई विल मेक हिम फील होटर वो क्या कहता है मैं उसे खूब गर्मी कर महसूस करवाऊंगा मैन मैन जो है वाइपिंग हिज फेस अपने चेहरे को पोंछते हुए आई मस्ट टेक ऑफ माय कोट मुझे अपना कोट उतारना पड़ेगा सन सूरज कहता है विंड आई हैव वन हवा देखो मैं जीत गया आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट मैंने उसके कोट को उतरवा दिया विंड को ये जो अपने ऊपर गर्व था ना कि मैं उतरवा दूंगी लेकिन विंड तो नहीं उतरवा पाई सन जो है मुस्कुराता रहा और उसने जब थोड़ा सा वो तेजी से चमका तो क्या हुआ गर्मी हुई और उससे क्या हुआ उसने कोट को उतरवा दिया